अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गैबेज। इसके अंदर हमने वन कप हमने इसके अंदर ऑयल लेना है, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लेना है अजवाइन, और हमने इसके अंदर 1.5 kg ये थी कैबेज। लेकिन जो नीचे का सब हटा के जो पत्ते वगैरह इसके होते हैं वो जब हटा दिया, उसके स्लाइस कर लिए, तो ये 1 kg रह गई, तो हमने इसके अंदर डाली। अब इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, सौते कर लेंगे हल्का सा। ये बिल्कुल फुल इसकी आँच है चूल्हे की, जिस पर ये जो सौते हो रही है, मतलब कि अच्छी तरी अच्छे फ्राई हो रही है ये। इससे बहुत मज़े का क्रंची बना रहता है। इसको लो फ्लेम पर आप कभी भी नहीं करा करें। स्टार्टिंग में आप हर सब्ज़ी को, कोई भी वेजिटेबल ले रहे हैं, तो आप उसको पहले ना फुल फ्लेम पर आप पकाया करें, ताकि उसका जो क्रंच है ना वो ना चले जाए। लोग अगर आप लो फ्लेम पर करेंगे तो उसकी क्रंच चले जाता है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करने से आपकी रेसिपी अच्छी हो सकती हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, हल्दी हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड की है। और ये जो टोटल टू टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसके अंदर ऐड की है, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। बाकी सॉल्ट टू टेस्ट, मतलब हर कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही क्विक, कोई भी आपके घर में कोई जल्दी से मेहमान आता है, कोई साइड डिश के तौर पर आप रख लें, या फिर कोई मतलब कि जल्दी भूख लग रही हो ज़्यादा, तो ये रेसिपीज़ आप फॉलो करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाती है ये, और इतनी मज़े की होती है ना कि बस उफ़, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो मेरी तो वेजिटेबल्स मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसका मसाला जो हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं गोभी के अंदर, अच्छी तरीके से लग जाएं। और इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे अगर आप चाहें तो अपनी तरह जैसे कम ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल की थोड़ी मज़ा आता है। मतलब वेजिटेबल्स में मुझे अच्छा लगता है कि ऑयल ज़्यादा हो, तो मज़ा आता है इन चीज़ों से। और इसको हम मिक्स कर रहे हैं कि सारी गोभी में ये मसाला लग जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड करेंगे। टोमेटोज़ हमारे पास थे वन बड़ी प्याली हमने इसके अंदर टोमेटोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एट टू नाइन्थ इसमें हमने डाली हैं चिलीज़ डाल दी हैं। विदाउट इसकी कैप नहीं हटाएं, कैप डालें, धो लें, बहुत ही कोई मज़ा, हर इसकी डंडियों में भी मतलब जायका लगता है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही कोई मज़ा आता है। ये क्विक, बहुत क्विक बनती है ये रेसिपी। ये आप बस ये इसको बनाने में बिल्कुल फाइव मिनट्स आपको बस खड़ा होना है चूल्हे के आगे। गर्मियों में सबसे ज़्यादा मज़े की होती है ये गर्मियों में आपको चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ता है मुसलसल तौर पर, तो आपको गर्मियों में जैसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बहुत ही मज़ा, मतलब कि जल्दी भी बन जाती है। फिर हम इसको कवर कर देंगे। इसकी फ्लेम हमने देखें कितनी फुल थी, अब इसकी फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है, बिल्कुल लो कर दी हमने इसकी फ्लेम। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया है। इसके बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल नज़र आई, इतनी यमी, इतनी कोई मज़ेदार, इतनी कोई खुशबू उसकी इतनी होती है ना कि आप बस ने ढक्कन उठाना कि पूरा घर बो जाएगा कि भाई ये क्या बना लिया तुमने, इतना मज़े का। मैं तो इसको स्पून से भी खा जाती हूँ कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है मुझे तो। और ये रेसिपी मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि मेरी टाइम सेविंग रेसिपीज़ होती हैं ये। कभी कभी जब मम्मा की हेल्प करानी हो तो मतलब तो ये जल्दी जल्दी से बन जाती हैं, और भूख मुझे ज़्यादा लगती है, क्रेविंग बहुत होती है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।